यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 1 का सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करना है। वी हैव टू डू डिस्कस सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 सिक्स्थ पार्ट, इट इज 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, राइट? ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। यू कैन सी दैट दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 11b, राइट, माइनस, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 4c, 4c होल स्क्वायर। ओके, नाउ मिडिल टर्म कैन बी रिटन एज 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, राइट? व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, इट कम्स आउट टू बी 88bc। फाइन, सो ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन गई? दिस इज 11b माइनस 4c होल स्क्वायर, दैट इज हियर द आइडेंटिटी यूज्ड इज a माइनस b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज्ड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हमने पहले भी करा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट? नेक्स्ट इसी का सेवेंथ पार्ट डिस्कस करना हमें। एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm, बच्चे प्लीज लुक एट द बोर्ड नाउ, प्लीज लुक एट द बोर्ड, लेटर ऑन यू कैन राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बिकॉज ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे एल प्लस एम का स्क्वायर है और 4lm है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा यूजिंग द आइडेंटिटी, एज सच आइडेंटिटी इसमें नहीं लगेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, ओके, माइनस 4lm। यहां तक क्लियर है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आप देखोगे वी हैव टू लाइक टर्म्स हियर, यहाँ पे हमारे पास टू लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम जो भी होगा एड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, बिकॉज 2 माइनस 4 इज माइनस 2। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हमने टू आइडेंटिटीज यूज करी, सेम ही आइडेंटिटी वैसे तो हमने यूज करी है दोनों जगह पे, a माइनस बी होल स्क्वायर, पहले प्लस वाली यूज करी है, फिर दूसरी हमने माइनस वाली यूज करी है। दूसरी आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज करी है, एल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको आप बोथ वेज लिख सकते हो आइडेंटिटी को, चाहे आप a माइनस बी होल स्क्वायर इधर भी ले जाओ उधर भी ले जाओ, दैट इज सेम थिंग। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो मेरे से।
Now next is इसी का eighth part A4 Now next is eighth part question is A4 plus 2A square B square plus B4 A4 plus 2A square B square plus B4 right अब इसमें हमने क्या करना है इसमें भी अगर आप देखो तो A4 को आप लिख सकते हो A square का square राइट सिमिलरली बी फोर कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर राइट तो ये क्या बन गया दिस विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आइडेंटिटी हमने इसमें कौन सी यूज करी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर यही यूज करी ना हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या था ए स्क्वायर था और सेकेंड टर्म में क्या है बी स्क्वायर ठीक है तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया इसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है आफ्टर डूइंग दिस विल डू सेकेंड क्वेश्चन Next is your question number two. Next hamara hai question two. Question two, first part. 4p square minus 9q square. Third part. 49x square minus 36. Fifth part, L plus M whole square minus L minus M whole square. Seventh part, X square minus 2xy plus Y square minus Z square. ओके सो अब इसमें हमें क्या करना है प्लीज लुक एट द बोर्ड अब इसमें हमारे पास टू टर्म्स आ रही हैं राइट दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकंड टर्म तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसको आप लिख सकते हो 2p का होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज 3q का होल स्क्वायर ओके नाउ ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी बन गई a square minus b square तो उसको आप कैसे लिख सकते हो that can be written as a plus b into a minus b तो ये आपके automatically factors बन गए ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है using a square minus b square is equal to a plus b a minus b ये आइडेंटिटी आपने यूज करी है ओके नाउ नेक्स्ट वन यू कैन डू योरसेल्फ खुद ट्राई करोगे जल्दी से दो मिनट में ट्राई इट योरसेल्फ
Try it yourself. Priyanka, मैंने सम सॉल्व करने के लिए दिया बेटे, डोंट लुक हियर एंड देयर, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. Salil is writing, screen is blur, but Salil, मेरे को तो clearly visible है बेटा. बेटा may be due to network issue. आई होप आपने ट्राई किया होगा. आप देखो जरा बोर्ड पे, 49x square can be written as 7x whole square and 36 can be written as 6 whole square. Okay? So ये क्या बन जाएगा, 7x minus 6 or you can say plus 6 and 7x minus 6. और यहाँ पे सेम आइडेंटिटी आप लिखोगे, आपको एरो नहीं डालना, यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी. ओके, आशा मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल. इट्स ब्लैक नाउ, विजिबल विजिबल है मैम. आप मैम नेटवर्क इश्यू है आपका शायद. मनकीरत हैज रिटन इट इज क्लियर. मे बी सलिल आपकी तरफ से कोई इशू होगा बेटा, अदरवाइज इट इज क्लियर. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बाद में बात कर लेना. ओके, आई होप ये पार्ट हो गया है आपका. नाउ नेक्स्ट वन, इसमें भी यही आपके पास, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, राइट? तो क्या करोगे इसमें भी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. और जब माइनस लगाना है तो ब्रैकेट लगा देनी है, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स, राइट? प्लीज लुक एट दिस स्टेप, इस स्टेप को ध्यान से देखना. ओके, सो ये आपका माइनस एम और प्लस एम कैंसिल हो गया, एम प्लस एम बन गया, एल प्लस एल बन गया टू एल. ऐसे ही यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे, एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. फाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2l into 2m, that is 4lm. And you know which identity you have used, same identity यहाँ पे आ जाएगी. All right?
ओके बच्चे स्टॉप राइटिंग एवरीवन एंड लुक एट द बोर्ड प्लीज. बोर्ड पे देखो, स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू. अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस इज, ये क्या है, ये सिंपली हमें आइडेंटिटी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई. तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है ना ये. और इधर से जेड स्क्वायर आ गया आपके पास, राइट. तो अब यहाँ फिर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड. सो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज कर लिया. ऑल राइट, आशा मैम प्लीज मनकीरत को अनम्यूट कर दो, शी वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मनकीरत मैम, प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, सेवेंथ पार्ट. दिस वन, ओके फाइन, आई विल रिपीट इट, वेट. यस मैम. x स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. सो दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अब टू टर्म्स आ गई, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. ओके, सो दैट कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारी एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई माइनस सेकेंड टर्म इज जेड. सो एक्स माइनस वाई माइनस जेड बन गया, यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस जेड. ओके यस मैम, थैंक यू मैम. बच्चे आई एम रीडिंग योर मैसेज ऑन एंड ऑफ, यू आर सेंडिंग द मैसेज, स्क्रीन इज ब्लर. आई एम टेलिंग यू कि मे बी ड्यू टू द नेटवर्क इशू इट इज देयर. बच्चे प्लीज एडजस्ट, हो जाएगी ठीक स्क्रीन. नेटवर्क इशू होगा कोई, उस वजह से हो रहा है. So with this, your question number 2 is over. Then next is your question 3. Again is factorize. हमें factorize करना है question 3 में भी. You can do it yourself. आपको आता है ये बहुत अच्छे से. Start करो question 3 का first part. Hurry up. Question 3 first part. Question 3, first part, ax square plus bx, इसको factorize करना है, very simple, जैसे आपने पहले करा था. आशा मैम एक नूर को unmute कर दो, he wants to say something.
मैम सॉल्व होगी मैम हम समझ आ गई है मुझे व्हाट मैम वो मैम गलती से मैं हैंड रेज हो गया था ओके ओके नाउ इसमें आप क्या फैक्टराइज करोगे एक्स इज कॉमन सो इन बिटवीन यू आर लेफ्ट विद ए एक्स प्लस बी ये इसके फैक्टर्स बन गए ठीक है वेरी सिंपल आपने पहले भी करे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर नाउ अगेन फैक्टराइजेशन है तो हमें दिख रहा है कि क्लियरली चारों की चारों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे इसकी अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टू टर्म्स कैन बी केप्ट इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द नेक्स्ट ब्रैकेट नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस ब्रैकेट यू कैन टेक आउट एम स्क्वायर In between you are left with a plus b and from this bracket you can take out n square and there will be a b plus a in the bracket okay now a plus b and b plus a is one and the same thing because we know that addition is commutative so this is one and the same thing a plus b can be taken as a common factor and you are left with m square plus n square This is factorization by regrouping. मैंने आपको बोला था कि बच्चे अपनी जितनी हॉलीडेज है वो सारी regrouping पे स्पेंड करना ठीक है All right, this is fourth part. This is fourth part. तो आई गेस आपने रीग्रुपिंग अच्छे से कर ली होगी तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा नाउ इज थर्ड पार्ट Asha ma'am, I think we can paste the link now. Third part, 2x cube plus 2xy square plus 2xz square. Now, isme se aap kya common le sakte ho? Kya common le sakte ho? 2x, in between kya reh jayega? X square plus y square plus z square ये फैक्टर बन गए आपके फैक्टराइज हो गया ओके okay?